और अब बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज की। जी हाँ, बढ़िया खबर जिसे देखने के बाद दिन बढ़िया हो जाता है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। मंजिल ला कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। जी हाँ, आज हम आपको बढ़िया खबर में ऐसी एक सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे जो देश के ऐसे आईपीएस ऑफिसर की है जिन्होंने 47 साल की उम्र में आयरन मैन का खिताब जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। ये महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस हैं। जब ये वर्दी में होते हैं तो अच्छे अच्छे क्रिमिनल की बेंच गीली हो जाती है और जब स्पोर्ट्स में उतरते हैं तो आयरन मैन का खिताब जीतकर अपनी ताकत का लोहा मनवाने में पीछे नहीं रहते। पहले हम आपको बताते हैं ये आयरन मैन क्या होता है। तैराकी, मैराथन और साइकिलिंग, ये तीनों खेल में जो जीतता है उसे आयरन मैन कहते हैं। पिछले साल अगस्त में फ्रांस में आयरन मैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में आईजी कृष्ण प्रकाश ने हिस्सा लिया और तकरीबन 4 किलोमीटर तैराकी, 42 किलोमीटर की मैराथन और 180 किलोमीटर की साइकिलिंग बगैर रुके 14 घंटे 8 मिनट में पूरा कर पूरे देश का नाम रोशन कर दिखाया। कृष्ण प्रकाश जो 1998 बैच के आईपीएस हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में इनकी पोस्टिंग। 2012 में ये मुंबई के एडिशनल कमिश्नर बने। साउथ मुंबई में हर साल मैराथन होती है जो दुनिया भर में मशहूर है, देश विदेश के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। 2013 में कृष्ण प्रकाश को इस प्रतियोगिता की सिक्योरिटी का जिम्मा मिला। इस बीच उन्हें पता चला कि उनके कुछ आईपीएस दोस्त विश्वास नागरे पाटिल और अमिताभ गुप्ता हाफ मैराथन में दौड़ने वाले हैं। बस फिर क्या था, वो चले गए वर्धमान के मुंबई सीपी सतपाल सिंह के पास। सीपी साहब ने कहा, सुरक्षा भी तुम्हारी और दौड़ भी तुम्हारी। बस क्या था, 2013 में कृष्ण प्रकाश ने अपनी पहले हाफ मैराथन की दौड़ लगाई और आजाद मैदान पुलिस क्लब पहुंचकर पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर सुरक्षा में लग गए। इसके बाद ये हर साल हाफ मैराथन में दौड़ लगाते रहे। कृष्ण प्रकाश को अपने एक सीनियर कलीग से जब फ्रांस में होने वाली आयरन मैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो उन्होंने ठान ली कि वो फ्रांस जाएंगे और ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उनके कलीग ने उन्हें समझाया कि इसके लिए कई महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है, साथ में कड़ी मेहनत भी करनी होती है, आप पहले प्रैक्टिस करिए फिर नेक्स्ट ईयर जाइए, ये उन्हें सलाह दी गई। कृष्ण प्रकाश ने उन्हें कहा, मैं इसी साल जाऊंगा और प्रैक्टिस में जुट गए। शाम में वो 10 बजे सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे। उनकी इस तरह की मेहनत देखकर कई बार उनके दूसरे कलीग उनका मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और आखिरकार फ्रांस पहुंच गए और वो कर दिखाया जो भारतवर्ष के इतिहास में किसी भी नौकरशाह ने नहीं किया। और देश के दूसरे और भारत के पहले सिविल सर्वेंट, पहले आईपीएस, पहले सरकारी मुलाजिम जिन्होंने आयरन मैन का खिताब जीता और फ्रांस में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में भारत का तिरंगा लहराया। मन के अंदर एक लोहा गलता, तन के ऊपर लोहा डलता, भीतर बाहर चारों पहर, जिसके फौलादी इरादा पलता, गिरता उठता कभी न रुकता, अनवरत है जो चलता रहता, जख्मों को जो हंसकर सहता, प्रेरक इतिहास वही है रचता, जख्मों को जो हंसकर सहता, प्रेरक इतिहास वही है रचता। आईपीएस कृष्ण प्रकाश जिन्होंने ये आयरन मैन का खिताब जीता है और वाकई हम सबको गौरवान्वित भी महसूस करवाया है। फिलहाल अब बढ़ेंगे आगे, वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप तो ही मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे फिट रहने के कुछ हिट तरीके। स्टे ट्यून्ड।